तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा भारत से, और आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मार्च से आप जानते हैं लॉकडाउन है, और अब जाके धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी खुलने का भी अनलॉक वन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी गाड़ियाँ जो पहले खड़ी थी काफ़ी दिन से, उनकी बैटरी हो गई डेड, गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। अब बैटरी बार बार उनको कई सारे गाड़ियों को डलवाना पड़ रहा है, 3-4 महीने की वजह से बैटरियां कई सारी गाड़ी की खराब हो गई। अब मुझे बहुत सारे कॉल भी आ गए, यार मुकेश भाई कौन सी बैटरी डलवा में, रियलिटी आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे कॉल आ गए। तो मैंने सोचा यार बैटरी पे स्पेशली आपको एक वीडियो दे ही दूं कि कौन सा आपके गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगी बैटरी। मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, बैटरी वाले माफ करना, क्योंकि जो डीलर है उनको थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है इस बात को। आज मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट ये सुनो कि यदि आपको गाड़ी बेचनी है तो उसके लिए बैटरी अलग है, यदि आपको गाड़ी रखनी है उसके लिए बैटरी अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले सुनो, जो गाड़ी बेच देनी है आपको, 2-4 महीने 6 महीने में गाड़ी बेच देनी है, उसके लिए बैटरी है आपका ओकाया की। ओकाया है, लूमैक्स है, लिव गार्ड है, एसएफ सोनी है, ये सब बैटरियों का लॉन्ग लाइफ थोड़ा कम होता है। यदि गाड़ी आपको बेचनी है तो ये सस्ती पड़ जाएंगी बैटरी, ये मान लो कि 2000 से 3000 के बीच में ही रहती हैं, ये आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगी। यदि गाड़ी बेचनी है तो सस्ती होती हैं, टिकाऊ कम होती हैं, थोड़ा लॉन्ग लाइफ इनकी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ओकाया, लूमैक्स, लिव गार्ड, एडलिनो, पता नहीं कौन कौन सी बतेरी कंपनियाँ आती हैं, वो आप डलवा सकते हैं यदि गाड़ी बेचनी है तो। लेकिन यदि गाड़ी आपको रखनी है तो ये कंपनी का हरगिज मत डलवाएं, इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। अब कौन सी डलवा में, देखो मार्केट में 10 तरह का मॉडल मिलेगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 बैटरी रिकमेंडेड करूंगा, वो चीज़ डलवाना। आपकी गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट बैटरी है एमरोन और एक्साइड, ये देख रहे हैं ना, एक्साइड, एक्साइड और एमरोन। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि हमें ये दोनों में से कौन सी डलवानी चाहिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन दोनों में, एमरोन और एक्साइड, इन दोनों में सबसे बेस्ट जो रहेगी आपके लिए वो रहेगी एक्साइड की। एमरोन सेकेंड में रहेगी, एक्साइड फर्स्ट में रहेगी। यदि आप बिल्कुल प्रिय हैं, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, बहुत आसकी है और चाहते हैं हमारी बैटरी लॉन्ग लाइफ चले, तो उसके लिए आप एक्साइड डलवाइए। अब सुन लीजिए, एक्साइड में भी 3 वेरियंट है, अब 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। एक तो एक्साइड की एसएफ सोनी है, जो एक्साइड में लो ग्रेड की है, लो वेरिएंट है, ये सस्ती पड़ती है, लॉन्ग लाइफ इसकी ज़्यादा नहीं होती। इससे ऊपर एक्साइड में एक है मैट्रिक, इससे ऊपर है मैट्रिक, ठीक है, इसकी भी लॉन्ग लाइफ इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन एक्साइड की सबसे टॉप वेरियंट एक्साइड माइलेज इधर है, ये देख सकते हैं एक्साइड माइलेज, ठीक है। तो एक्साइड माइलेज ए बेस्ट है आपके लिए, सबसे बढ़िया एक्साइड का टॉप वेरिएंट डलवाएं यदि आपको गाड़ी रखनी है। फर्स्ट में ये है, सेकंड में एमरोन है। अभी एमरोन में सुन लीजिए 4 वेरिएंट हैं, 3 या 4 वेरिएंट होंगे। सबसे सस्ता वेरिएंट जो 1 साल की गारंटी में होता है वो होता है एमरोन फ्रेश। उसके बाद से थोड़ा सा और यदि 18 महीने की गारंटी लेते हैं, 1.5 साल की, तो वो पड़ेगा एमरोन ब्लैक। वो थोड़ा सा है एमरोन ब्लैक फ्रेश से कॉस्टली होता है ब्लैक, लेकिन 18 महीने की गारंटी होती है। एक है 36 महीने की गारंटी, वो है एमरोन गो, और एक है एमरोन फ्लो, वो है 48 महीने की गारंटी, यानी 4 साल की गारंटी। और एमरोन में एक है एमरोन प्रो, पूरे 5 साल की गारंटी है। तो एमरोन सेकेंड में आप एमरोन को भी कंसिडर कर सकते हैं, और एक्साइड, ये दो मेरे लिए बेस्ट है, एक्साइड एमरोन। लेकिन इन दोनों में सबसे अच्छा जो है परफॉर्मेंस एक्साइड का है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस एक्साइड माइलेज का, ये एक्साइड माइलेज है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एक्साइड माइलेज का है। अब सर्विस की सुन लो जी, दोनों की सर्विस की, फास्ट सर्विस किसकी है, तो फास्ट सर्विस एमरोन की है, सबसे फास्ट सर्विस है भाई। पता है क्या होता है, एक्साइड की एमरोन से थोड़ी स्लो सर्विस है। यदि बाई द वे आपकी बैटरी खराब हो गई तो एक्साइड वाले भाई बुरा मत मानना, कंपनी वाले जो भी हो, मैं रियलिटी आप लोगों की बता रहा हूँ,
मैंने देखा इतना आप लोग पूछताछ करते हो, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा मॉडल था, ये क्यों नहीं लिखा, बिल कहाँ है, वो कहाँ है, फलाना ढिमका 70 आप सवाल करते हो। आपकी बैटरी बेस्ट है, परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं गुड एक नंबर मानता हूँ, लेकिन इतने आप सवाल करते हो खराब हो जाने के बाद ना, तो बड़ा दिल दुखता है। और वहीं अमरोन भाई साहब एक सवाल आपसे नहीं करते, बैटरी उठाई, बैटरी चेक करा, बैटरी खराब ही रही, आपको हैंड टू हैंड बैटरी दिया, तो सर्विस फास्ट अमरोन की है। और तो ये तो टॉप वेरिएंट है कि सबसे पहले आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो तो एक्साइड या अमरोन में से दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट कंपनी है। तो कभी भी बैटरी खराब हो तो पहले ग्रेविटी चेक कर लें, ग्रेविटी प्रॉपर आना चाहिए, यदि ग्रेविटी नहीं है तो उसको चार्ज करवाएं, कन्फर्म कर लें बैटरी खराब है तभी बैटरी चेंज कराएं। पता है क्या है, कंपनी वाले भी ज़्यादातर करके कंपनी वाले एक्साइड या अमरोन को ही चूज करते हैं। अभी देखो ये जो है एक्साइड की, एक कंपनी से उतरी हुई गाड़ी का है, होंडाई में, मारुति में ये सब यूज कर लेते हैं, और भी गाड़ियों में यूज करते होंगे, किसी किसी गाड़ी में अपना ये अमरोन का यूज कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है लो वेरिएंट ही डालते हैं। अभी होंडा सीआरवी थी ना, हाँ। जो रात में स्टार्ट करके आए थे, हाँ। एकदम लो वेरिएंट डाला था यार कंपनी ने, तो कंपनी वालों ये तो इतना तो करो यार, कम से कम 5 साल की गारंटी वाला डालो, बताओ 2 साल में बैटरी डेड हो गई। अमरोन ब्लैक डाल दिए थे 1.5 साल की गारंटी वाला, तो कम से कम थोड़ा सा बैटरी का वो करो। और एक चीज और ध्यान देना इस चीज को, बैटरी आपकी गाड़ी में 35 एम्पियर का लग रहा है तो बैटरी 35 एम्पियर का ही लगवाना, क्योंकि मुझ जैसे भैया भतेरा है जो 35 एम्पियर की बैटरी लगी होती है। अब 35 एम्पियर की बैटरी का रेट मान लो 3500 रुपये है, तो भैया क्या करेंगे, आपको 3200 रुपये में 32 एम्पियर का डाल देंगे, आपको लगेगा कि वो सस्ता डाल रहे हैं, लेकिन 2 एम्पियर 3 एम्पियर कम डाल देंगे बैटरी 32 एम्पियर का, आपको पता नहीं पड़ेगा तुरंत, आपको तो ये पता पड़ेगा यार मुझे तो सस्ता मिल गया अमरोन में यार ये तो, लेकिन वो 32 एम्पियर का चुकी होता है। तो आप एम्पियर जरूर ध्यान दें कि आपकी गाड़ी में कितने एम्पियर का निकल रहा है, तो उतना ही एम्पियर का ही बैटरी डलवाएं। कोई सस्ता डाल रहा हो तो हो सकता है कि एम्पियर वो कम डाल रहा हो, एम्पियर कम डालने से आपका सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई डाउट हो आपसे बैटरियों से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फुल्ली आपको कोशिश करूंगा जवाब देने का। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।